एक फिल्म में हीरो हीरोइन बाकी एक्टर्स को खूबसूरत दिखाना जितना डायरेक्टर और कैमरामैन का काम होता है उतना ही शायद उससे ज्यादा काम होता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर का एक्टर क्या पहनेंगे कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे उन कपड़ों के साथ एक्सेसरीज कौन सी होगी ये सब काम होता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर का और ऐसे ही एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर लीडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर नेशनल अवार्ड विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर रजा शरीफी हमारे साथ हैं लेट्स वेलकम हिम वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस रजा जी आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं अराउंड 25 साल से 25 साल से तो नेचुरल hmm. फ्लेयर था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की तरफ नॉट रियली really. मैंने मेरे मास्टर्स किए थे जियोलॉजी में mm -hmm. आर्किटेक्ट बनना था अच्छा वो क्रिएट लाइक बिल्डिंग्स क्रिएट नहीं कर पाया तो आई जस्ट गॉट इनटू कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का शौक पहले से नहीं था ऐसे नहीं है लाइक uh, फ्लेयर like, uh, तो था क्योंकि मेरी लाइक अराउंड छः से सात मासियाँ हैं उनके ऐसे ही घर में कपड़े बनाते था देन आई वेंट हेल्पिंग अ फ्रेंड जस्ट लाइक टेकिंग लाइक उनके बुटीक में उन्होंने कहा लाइक आई एम गोइंग ऑन अलीडे मुझे ज़रा दो तीन दिन आप रुकीगा तो वहाँ रुकने के बाद मुझे आई गॉट अ विफ ऑफ लाइक आई एल बी एबल टू डू दिस एंड इट स्टार्ट और वो जियोलॉजी वाला करियर आपका वो रुका रह गया <laughs> तो बॉलीवुड में प्रवेश कैसे लिया मैं लीडिंग स्टोर में एक काम करता था एज अ फ्री डिज़ाइनर वहाँ से आ, मुझे आ, एक बार कॉल आया वो लाइक जेंट्स जेंट्स बुटीक थी अच्छा? वहाँ से कॉल आया टू डू अ फोटो सेशन विद मिस माधुरी दीक्षित अच्छा सो आई डिड द लेट मिस्टर गौतम राज वहाँ फोटोशूट किया कपड़े उनको लुक्स अच्छे लगे उसके बाद लाइक आई वाज अप्रोच टू डू मिस्टर एन चंद्रा जी की वजूद तो that, तो दैट एंड दैट्स हाउ इट वजूद पहली फिल्म थी आपकी हाँ उसके पहले ऐसे छोटे मोटे फिल्म्स uh, किए थे बट अच्छा। मेजर ब्रेक जो मेजर ब्रेक नहीं था हाँ। अच्छा और पहला फोटोशूट माधुरी दीक्षित के साथ था जी कितना डिफिकल्ट था माधुरी दीक्षित को ड्रेसअप करना और खूबसूरत और भी खूबसूरत दिखाना है वो तो खूबसूरत है तो डिफिकल्ट exactly. नहीं था इजी yeah. था uh -huh. क्योंकि जो भी कपड़े उन्होंने मेरे पहने uh -huh. उससे इनफैक्ट मेरे कपड़ों को चार चांद लग गए एंड बिल्कुल इट लुक्ड ग्रेट ऑन एंड आप नोटिस में किस uh, फिल्म से आए बेसिकली नोटिस uh -huh. में मैं जब मैंने माधुरी दीक्षित जी के ही

I was busy with that. Mm -hmm. Right now there are few projects on hand, but टेलीविजन uh, और ये सब होल्ड पर है बट आग... एक समय था जब टेलीविजन पर आपके uh, कपड़े mm -hmm. uh, कई शोज में देखने को मिलते वो बहुत ही अलग रहा होगा एज कम्पेयर टू फिल्म इट वॉज डेफिनेटली क्योंकि हर हफ्ते तीन दिनों में आपको वेरियस लुक्स के कपड़े बनाने पड़ते ये थे. कौन कौन से शोज थे मैंने नजबली थे झलक दिखला जाता फिर mm -hmm. बहुत सारे डांस शो थे आजा मे लाइकलीवर तो फिल्मों से कितना अलग है ये uh, फिल्मों से अलग नहीं काम तो उतना ही जाता है बट mm -hmm. जो आपको इमिडियटली वो नजर आता है लाइक यू हैव टू वेट वीक्स टाइम

नेशनल uh, मिला देवदास के के कॉस्ट्यूम्स को और तीन कॉस्ट्यूम थे तो तो वो फीलिंग कैसी थी? से आया फोन? I think के से ही आया फोन? संजय जी ऑफिस था mm -hmm. तो, uh, I told my driver, Side में रोकिए मैं बात कर रहा था तो जब पता चला तो इट वाज लाइक आई मीन इट सीप इन इजीली बट लेटर तो, तो आप तीनों ने नीता लुल्ला जी नीता लुल्ला जी आबू और संदीप हाँ। और मैं और उस अवार्ड से फिर फिल्में भी ज्यादा मिली नहीं जैसे था वैसे ही चल रहा था क्योंकि इट्स नॉट द टाइम सिलेक्टिव और समथिंग मगर मेरे पास जो भी फिल्में आती है हमेशा कैरेक्टर ड्रिवन आती है आई मीन आई डोंट चूज माई फिल्म फिल्म में चूजिंग मी सो जहां पे भी लाइक like, कैरेक्टर होता है पोर्ट्रे करना होता है उस काइंड ऑफ फिल्म आती है लाइक like, हर फिल्म में कैरेक्टर्स होते ही हैं लेकिन वो टिपिकल टिपिकल अगर कुछ हो उस किस्म की फिल्में मैंने ज्यादा की है तो uh, हो सकता है प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर्स को एहसास हुआ होगा कि एब्सोल्यूट टिपिकल क्लोथिंग अगर ड्रेसिंग uh, हो किसी आर्टिस्ट की तो ये बेहतर रहेंगे मे uh, भी मगर uh, वैसी बात नहीं क्योंकि मैं सब किस्म के कपड़े कर पाता हूँ लाइक बिकॉज आई थिंक पीपल हैव दिस थिंग After Devdas or whatever that I'm just used to doing traditional Indian costumes, but that's not the case. Ajay. I can do all kind of Western film, modern modern everything. Mm -hmm. Like I've dressed up Mr. Kamal Haasan ji also. Mm -hmm. Like in कौन सी फिल्म में? उनकी वो Indian करके फिल्म तीस शंकर जी की वो वो फिल्म थी और काफी अभय उसमें बहुत सारी फिल्में थी फिलाल नहीं like mm -hmm. way back Mm -hmm. those were the films I've done with. So it. dressing up heroes is easier than dressing up heroines. Yeah, dressing up heroines is uh, easier. For me, I prefer dressing up the girls mm -hmm. because I can do much, much more. Mm -hmm. And heroines ke kapde kya besides the clothes, unko aap accessorize karke mm -hmm. aur kapeon ko nikhar sa uh, nikhar sakte. sakte. Mm -hmm. So that's how it is. Mm -hmm. With the guys, you have to be more particular. उधर uh, से maximum color breaking, color coding कर सकते हैं यहाँ पे. डेनेमजे वो देकर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते ऐसा सुनते सुनने को आता है कि स्टार्स के टेंट्रम्स बड़े होते हैं कॉस्ट्यूम्स को लेकर आपको इन सब का मतलब ये टेंट्रम्स का सामना करना पड़ा है लकीली फॉर मी आई हैव नॉट थ्रू ऑल दैट बट हाँ इश्यूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग मे बी दे बी वर्किंग द सेम वे मैं पहले हर हर चीज़ को डिस्कस करता हूँ उनको लुक्स दिखाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद ट्रायल्स लेने के बाद ही तो जो भी वो रिजेक्शन का पीरियड हो वो तभी रिजेक्ट मतलब चेंजेस होते हैं नहीं। मेरे इसमें तो वेन ऑन सेट्स जब कब कॉस्ट्यूम मेरे पहुँच जाते हैं तभी ऐसे अब तक कभी लकीस कुछ हुआ नहीं है सो बट चेंजेस माइनर चेंजेस दे आर इन बाउंड टू हैपन बट

या डायरेक्टर की वाइफ जाके लिंकिंग रोड पे जाती थी यहाँ पे क्या आप ऑफिस में बैठे बैठे खुद ब्राउज कर सकते हैं आपको पता चल चल जाता है और एक बजट मुकर किया जाता है तो उसमें फ्लीस करने का चांस होता ही नहीं है इट्स अबाउट गिविंग अ लुक लाइक अगर मैं जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ मैं इंडिविजुअली किसी की रेट नहीं लगाता हूँ इट्स बेसिकली द इंटायर लुक विच आई गिव सो देर इज नो वे लाइक

और रेजा ये चीज़ आपने इतने में क्यों दी है हुँ, हुँ, ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं है आपकी तरह किसी को अगर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट हो तो बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। किस हिसाब से जाना पड़ता है किसको कांटेक्ट करना पड़ता है कैसे अपना टैलेंट शोकेस करते हैं किसी को असिस्ट करना पड़ता है एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे होता है जी मेरे हिसाब से डिग्री uh, लेना तो ज़रूरी है बट बिसाइड दैट यू हैव टू हैव योर प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसके लिए ऑन फील्ड होना जरूरी होता mm -hmm. है सो इट्स बेटर दैट लाइक द स्टूडेंट्स डे अप्रोच लाइक द लीडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हाउएवर उनके साथ एक्सपीरियंस कर लो लाइक यू हैव टू इंटरक्ट विद योर मास्टर्स एज वेल एज एम्ब्रॉयर्स जूलर जूलरी मेकर वो मोर देन थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच मोर ऑन फील्ड जो होता है वो होना बहुत ज़रूरी है तो नए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को ब्रेक मिलना आसान होता है या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है नहीं आजकल जिस हिसाब से देखिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स एक अलग सेक्ट है जो आ, कपड़े क्रिएट करते हैं आजकल जो ट्रेंड है वो स्टाइलिश का होता है जैसे मैं मैंने आपको कहा कि मैं कैरेक्टर ड्रिविन फिल्म बनाता हूँ तो मुझे वो आउटफिट्स मैं प्रेफर करता हूँ मैं लाइक like, ज्वेलरी से लेकर हर चीज़ मैं बनाऊँ खुद मेरे वर्कशॉप में और उसमें कुछ इधर उधर का चेंज हो तो लाइक आई कैन इट ऑफ द रैक देन उसको लाइक like, काट छाट के अलग बना के दो बट ऐसे खुद खरीद के नहीं दे सकता मगर आजकल ट्रेंड क्या हुआ है लाइक like, कोई कैरेक्टर है तो स्टाइलिश जाके कपड़े सोस करते हैं वो पहनाते एक्सेसराइज़ करके वो लुक अलग हो जाता है तो इफ़ यू वॉन्ट टू डू हार्ट को मेकिंग कॉस्ट्यूम दैट्स वन दे हैव टू हैव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं तो अगर आप ये फील्ड में है तो डेफिनेटली आपकी चॉइस और ये तो अच्छी होगी तो देर आर लॉट्स ऑफ शॉप्स यू कैन जस्ट गो पिक अप मोस्ट थिंग्स टुगेदर एंड क्रिएट अ कॉस्ट्यूम क्रिएट एन आउटफिट तो आपको किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है द एक्टर एक्टर डायरेक्टर फिर द डी आर्ट बैकग्राउंड क्या होता है Un ke discussion hone like at the end of it is between me and the star whom I'm doing uh, things for. So you have to constantly be coordinating with the star. If you have the script in hand, you know what the scenes are. So you just uh, uh, chalk out the number of garments you're making, go to her, you know the location since they are preset, and then according to that, I tell her the colors, what designs will be at, and that's how it goes. Tanu Waz Manu returns ke liye.

कंगना ही प्ले कर रही है वो मैंने सोच के रखा था मगर अलग अलग तो डिफरेंटलीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक तनु जो कंगना है mm -hmm. अभी फ्रॉम पार्ट वन उसके लुक्स में ज्यादा मुझे ना रिसर्च करना पड़ा ना कुछ आई mm -hmm. like, और जस्ट मैं, वो इन टर्म्स ऑफ लाइक फोर ईयर्स आफ्टर मैरिज जो मेच्योरिटी आनी चाहिए इसके उस हिसाब से मैंने वो साड़ी कपड़ों में भी कपड़ों में भी झलकनी चाहिए सो आई गेव दिस प्रिंटेड जॉर्ज शिफ ऑन साड़ीज़ वेद लाइक लाइवली एंड ब्रैंड बिकॉज दैट्स हाउ शी इज कलरफुल एजी कॉकी अलॉन्ग विद लाइक जैकेट एंड ये मुझे ऐसे नहीं करना था कि वो सडनली लंडन चली गई है <laughs> तो वो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम में क्योंकि फिर वो तन, तनु का कैरेक्टर ही दब जाता और जब वो इंडिया वापस आती है चार साल बाद तभी मैंने वो ही तनु के लुक्स जो थे विदाउट मेकिंग इट लुक रेपिटेटिव एंड ऑल थोड़ा और उसमें कलर ज़्यादा डाले उसकी ज्वेलरी एनहांस की और वो लुक uh, मैंने मेंटेन किए हैं वेर एज फॉर दिस कैरेक्टर विच इज़ दत्म शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन

लाइक स्टेट ऑफ हरियाणा वो पहन सके mm -hmm. और तनु इज मोर ब्राइट लाउड वो की काइंड ऑफ क्लोदिंग एंड एज वन वो उसकी लाइक like, uh, हरियाणा फ्लेवर भी मैंने कल्चरल uh, uh, फ्लेवर भी उसके शादी के कपड़े हो आई ट्राई टू गिव द सेम ऑथेंटिक जितना ऑथेंटिक हो सके उस टाइप के ज्वेलरी और कपड़े देने की कोशिश की दत्तों को जैसे आपने जिमी शेरगिल या आर माधवन इनके कॉस्ट्यूम्स नहीं डिजाइन किए हैं तो इनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के साथ भी तालमेल जोड़ना पड़ता है इसके लिए मेरे कपड़े भी अच्छे लगेक्टली बिकॉज शी इज आल्सो अंकिता मेरी कैरेक्टर हरियाणवी लग रही है और बाकी के कपड़े अगर

मुझे पता नहीं क्या क्या <laughs> करते वो <नहीं। laughs> क्योंकि एक बार कपड़े देने के बाद लाइक यू हैव नो राइट ऑफ कंट्रोल आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट दे डू विद इट द थिंग इज लाइक वो पहनने लायक नहीं रह जाते हैं क्योंकि mm -hmm. हम लोग इतने सारे सीन्स करते हैं गाना का कॉस्ट्यूम अगर हो mm -hmm. जो हमेशा एलैबोरेट होता है मगर mm -hmm. वो गाना कभी दो दिन तीन दिन चार दिन बाय नंबर ऑफ डेज सो बाय द टाइम इट्स इट्स मुझे <laughs> नेशनल <laughs> ने ऐश्वर्या के कपड़े किए थे आपूजानी ने माधुरी के किए थे मैंने भी माधुरी के कपड़े किए थे तो आप दोनों ने किए हम दोनों ने और मैंने जो मेल कैरेक्टर्स है एक्सेप्ट शाहरुख एंड जैकी थ्रू आउट द मूवी आई डन

लाइक like, पहले पार्ट में मैंने उसे लाइक like, पटियालाज और छोटी चो, कुर्तियाँ ये वो दी थी जूतीज मोजरीज के साथ जैसे लाइक लखनऊ या कानपुर में लड़की पहनेगी मगर उसमें एक अलग सा कोशिश की थी सिंस द कैरेक्टर हैड अ डिफ एज तो वहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंस्टेड ऑफ़ वेयरिंग अ रेड ब्राइडल गारमेंट शी वॉज वेयरिंग अ ग्रीन करेक्ट सो जस्ट जस्ट फॉर द लाइक अ फील ऑफ इट लाइक इसमें भी मैंने कोशिश की है लाइक like, साड़ियों के साथ उन्होंने uh, ये मुका लेसअप मुकासन्स पहने हैं जूते ओवर कोथ्स पहने हैं वो एक फ़ेज़ का लुक है uh, दूसरे फेज़ में मैंने अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया से कपड़े लाए हैं ऐसे नहीं है कि वो कानपुर में रहती है या लखनऊ में रहती है सिर्फ वो चिकन के कुर्ते पहनेगी या yeah. तो मैंने लाइक like, अलग अलग स्टेट से कपड़े ला मर्ज किए हैं लाइक अगर मैंने बांधनी यूज़ किए तो लहरिया भी यूज़ किया है uh, मेरा वर्क आई व्यूज लाइक आई व्यूज इन टर्म्स ऑफ ज्यूलरी आई व्यूज़ लॉट ऑफ द Afghani jewelry. I picked up a dari from Afghanistan. I patched it on a, a suit and hmm. ma made, made a Achcha. garment out of it. Achcha. So there are alag alag kism ke hai. To usme mm -hmm. Mein, aur maine wrap uh, uh salwaray banayi Wrap dhoti salwaray in different different colors. Hmm. So maybe that will be the trend that will. भी कॉटन जूते में भी लड़कियां पहनेगी जरूरी नहीं कि जूते चप्पल्स और मोजरीज पहन के ही सलवार कमीज अब लेदर शूज पहन के स्वेट के जूते पहन के भी इंडियन गार्मेंट्स पहन सकती है so, अच्छा, हाँ। कभी, कभी, uh, ऐसे लगता है फिल्म uh, में जब काम कर रहे होते कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा वी आर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू फैशन ऐसे लगता है सी उस हिसाब से हम नहीं लाइक like, ट्रेंड सेट करने के लिए नहीं बट तो जब पूरी पिक्चर आप एंड अच्छा, रिजल्ट जब नजर आता है तो ऐसे तो ऐसे लगता है हाँ ये बन सकता है अभी आपने पूछा उस हिसाब से आई फेल्ट के शूज दे कैन बी ट्रेंड एंड के कॉस्ट्यूम्स के बारे में दत्तो के कॉस्ट्यूम्स ऑन फील्ड तो नहीं बट ऑफ ऑफ फील्ड जो फ्लोरल चूड़ीदार कमीजेस हैं है uh, जिसके साथ उसने ट्रैक जैकेट स्वेटर्स पहने हुए वो ट्रेंड में यूज हो पाएगा नॉर्थ में बन जाए पर लाइक कंपेयर टू तनु आई थिंक तनु विल मोर <laughs> चलिए रजा भाई आपसे बातें करके बहुत मजा आया विशिंग यू द वेरी बेस्ट और जिस हिसाब से आप काम करते रहे हैं, हमारी दुआ यही है कि ऐसे ही आप काम करते रहें कलरफुल चीजें लोगों को दिखाते रहें आपके एक्टर्स को बहुत ही कलरफुल अंदाज में पेश करते रहें थैंक यू सो मच दैट वाज रजा शरीफी इनका काम अगर आपने मनु रिटर्न्स ऑलरेडी नहीं देखी है तो इनका काम तनु रिटर्न में भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अजर बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बी बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो आज ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल नाहटा विडिंग यू गुड बाय